आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉरिफिकेशन का सिस्टम कैसा रहेगा। आप एक ऐसा पैलेट बना पाएं जिसके अंदर 2% से कम ऐश हो, लगभग 2% के आसपास मॉइस्चर। प्रोसेस से हम लोग यहाँ से नॉन टॉरिफाइड पैलेट को डालेंगे और एक चैम्बर की पूरी लेंथ को पार करने के बाद में हम यहाँ से टॉरिफाइड पैलेट को निकालें। तो तीन तरह के मॉडल हमारे पास में है, बाहर का चैम्बर, आउटसाइड चैम्बर हमारा स्टील का होगा और इनसाइड चैम्बर हमारा जो रहेगा स्टील का रहेगा। तक हमारी स्टील इंडस्ट्री के पास बड़ा चैलेंजेस था, स्टील इंडस्ट्री को ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड थी जिसके अंदर जीसीबी अच्छी मिल जाए, जिससे हमको 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर मिल पाए। तो ऐसा कुछ संभव है तो टॉरिफिकेशन के बाद ही संभव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, बायोमास से बायोमास पैलेट के ऊपर हमने कई सारे वीडियो पब्लिश किए हैं, पब्लिक डिमांड के ऊपर हम कई सारे वीडियो बनाते हैं और लोगों का हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है इस सब चीज़ों के लिए कि आप नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉरिफिकेशन का सिस्टम कैसा रहेगा। स्पेशली दिस वीडियो इज बीइंग मेड फॉर द टॉरिफिकेशन, क्योंकि टॉरिफिकेशन अभी फिलहाल में देखा जाए तो एक बड़ी महती साइंस है जिसकी पूरे वर्ल्ड को इंतजार है, पूरे भारतवर्ष को इंतजार है। दोस्तों, बायोमास पैलेट की हम बात करें, दो कैटेगरी हम करते हैं। नॉन टॉरिफाइड पैलेट जो कि हमारे बायोमास से सीधा ग्राइंडिंग करके, ड्राइंग करके हम लोग एक पैलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सेकेंड स्टेप हो गया इन्हीं पैलेट को टॉरिफिकेशन करना, यानी इनकी टॉरिफिकेशन कार्बोनेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद में इसको एक ब्लैक पैलेट में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों, आखिर सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, क्यों हम टॉरिफिकेशन करेंगे, टॉरिफिकेशन के फायदे क्या हैं और क्या हम किस प्रोसेस से करेंगे, इन सब बिंदुओं को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, किसी भी एग्रीकल्चर बायोमास को अगर आपको पैलेट में कन्वर्ट करना है, नॉन टॉरिफाइड पैलेट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर बायोमास को ग्राइंडिंग करना होता है, उसको पाउडर में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद उसको आपको डिहाइड्रेशन करनी होती है, यानी उसकी मॉइस्चर कम करनी होती है, उसकी मॉइस्चर लगभग 10-12% लानी होती है, परसेंट तक लानी होती है। उसके बाद उसको आपको मिक्सिंग करके पैलेटाइजर से उसको पैलेट बनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा जो भी पैलेट बनता है उसके अंदर मॉइस्चर 5-7%, 10% रहती है और उसके अंदर ऐश कंटेंट ज़्यादा रहता है, लगभग 7% तक ऐश कंटेंट रहता है। कई जगह जो लोग प्योर वुड से बना रहे हैं वहाँ पर ऐश कंटेंट 2.5-5% तक आ रहा है। और हम जब बात करते हैं कंट्रोल्ड पायरोलिसिस की, पायरोलिसिस क्या होता है हम बताते हैं इसमें। दोस्तों, पायरोलिसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग लगभग 250 से लेकर 550 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को एक चैम्बर से निकालते हैं ताकि उसकी मॉइस्चर को हम रिमूव कर पाएँ, यानी कि हाइड्रोजन कंटेंट कम कर पाएँ, उसके अंदर के ऑक्सीजन कंटेंट को हम कर पाएँ और कुल मिलाकर के हम लोग उसकी कार्बन कंटेंट को बढ़ा पाएँ, यानी कि उसका कार्बोनेशन करें। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम लोग कर रहे हैं और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिफिकेशन या कार्बोनेशन। इस पूरे प्रोसेस के अंदर दोस्तों, एक चैम्बर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस तरह का चैम्बर लगता है जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड चैम्बर है, जहां पर हम एक तरफ देखें तो इस प्रोसेस से हम लोग यहां से नॉन टॉरिफाइड पैलेट को डालेंगे और एक चैम्बर की पूरी लेंथ को पार करने के बाद में हम यहां से टॉरिफाइड पैलेट को निकाल पाएंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली टॉरिफिकेशन के अंदर दोस्तों, हम जब इस चैम्बर के अंदर पैलेट को डालते हैं तो इस चैम्बर के अंदर इनसाइड में एक चैम्बर होता है, यानी कि ये डबल चैम्बर ड्रम है, और इस चैम्बर की लेंथ एज पर द कैपेसिटी होती है। यानी कि अगर हम बात करें टॉरिफिकेशन के, हमारे पास तीन तरह के सिस्टम अवेलेबल है, 5 टन यानी कि 5 टन से 2.5 टन का, 2 टन से 1 टन का और 1 टन से लेकर के 500 kg का। और डेमो मॉडल के रूप में देखा जाए तो हमारे पास 300 kg से 150 kg का ऐसा मॉडल भी अवेलेबल है, यानी 4 मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से एक लैब मॉडल है और 3 हमारे पास कमर्शियल मॉडल है। इन सारे मॉडल्स में बेसिकली एक ड्रम के अंदर एक अंदर ड्रम रहता है, इस ड्रम में जब हमारा पैलेट आता है और लगभग 1.5 से 2 RPM के अंदर घूमता हुआ यहाँ तक आता है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हम जब हीटिंग करते हैं, लगभग 350 डिग्री तक हीटिंग करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे अपनी जो उसके अंदर मॉइस्चर है उसको रिलीज करता है। साथ साथ क्योंकि स्लो हीटिंग होती है और लंबे टाइम तक हीटिंग होती है, लगभग आधा घंटा तक हीटिंग होती है, तो धीरे धीरे जो हीटिंग है उसके सेंटर तक जा करके सेंटर की मॉइस्चर निकालती है और हमारा ये प्रोडक्ट धीरे धीरे टार को निकालता हुआ, टार निकलता है इसके अंदर से, यानी कि एक लिक्विड निकलता है और साथ साथ इसके अंदर से गैसेस निकलता हुआ ये प्रोडक्ट लास्ट तक देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट बहुत न्यूनतम रह जाता है। और इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कार्बन कंटेंट लगभग 95% तक पहुँच जाता है और
उसकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेंट कम होने की वजह से उसके अंदर मॉइस्चर जो है 2 से 3% और ऐश कंटेंट लगभग 2% के आसपास पहुंच जाता है। और इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है विच इज सिमिलर टू द कोल, विच इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल, विच इज सिमिलर टू द कोल। दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये चैम्बर जो रहता है ये आउटसाइड का चैम्बर जो है एलॉय स्टील का है, जबकि इनसाइड का चैम्बर एसएस का रहता है, स्टेनलेस स्टील 304 का रहता है, क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ गैसेस फॉर्म होती है। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये चैम्बर से लेकर लास्ट चैम्बर तक लाने के अंदर हमको लगभग 28 से 30 मिनट और 40 मिनट का टाइम लगता है। और अलग अलग बायोमास के पैलेट के लिए अलग अलग टाइम डिसाइडेड है, क्योंकि इसमें बायोमास का शुरू में मॉइस्चर कितना है उस पर डिसाइड करेंगे। अगर आपका बायोमास का शुरू का मॉइस्चर ही कम है, वो अगर 7% से कम है तो आपको टाइमिंग कम लगेगा, और वो मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि बायोमास का पैलेट का जो मॉइस्चर है उस पर सारा डिपेंड करेगा, उसमें कितना साइकिल टाइम लगता है। साथ साथ जो टेम्परेचर उसके लिए चाहिए वो भी डिसाइड एज पर बायोमास ही होगा, क्योंकि हर बायोमास की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी एक सेंटर तक जाने की क्षमता होती है। आपका बायोमास अगर 6 mm का है और अगर 8 mm का है और 10 mm का है तो तीनों के लिए टाइमिंग अलग अलग होगा, क्योंकि 10 mm का सेंटर 5 mm पर आएगा, वहाँ तक हीट जाने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है उसमें टाइमिंग ज़्यादा लग जाए। और इस तरह से जितनी साइज का हमारा पैलेट होगा उस हिसाब से उसका कार्बोनेशन का या टॉरिफिकेशन का टाइम होगा। दोस्तों टॉरिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो हमने बताया प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास 3 मॉडल हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए है। पहला मॉडल हमारे पास है, अगर 1 ton 1.5 पैलेट आपके पास में है तो उससे 500 किलो पैलेट बनाने का मॉडल है, जो लगभग जिसके बजट की आवश्यकता बताएं तो उसमें लगभग 70 से 80 लाख के बजट की आवश्यकता होती है। साथ साथ इसके अंदर पावर जो लगेगी लगभग 25 HP का पावर की आवश्यकता होती है, और दूसरा इसके अंदर जो जगह की रिक्वायरमेंट होगी वो लगभग अगर बात करें तो 40 फीट लंबाई और लगभग 30 फीट चौड़ाई, यानी 1200 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होगी। और इसके लिए हम अगर देखें तो हमें 1 से 1.5 रुपया पर केजी का टॉरिफिकेशन का खर्चा इसके अंदर आता है। दूसरा जो मॉडल दोस्तों हमारे पास में है वो है 2 ton से 1 ton का, यानी 2 ton नॉन टॉरिफाइड इनपुट एंड 1 ton आउटपुट। ऐसे टॉरिफिकेशन चैम्बर के लिए हमें लगभग 60 फीट जगह की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें जो चौड़ाई की जरूरत होगी यानी विड्थ की जरूरत होगी वो लगभग 30 फीट के आसपास होगी, और इसमें जो बजट की आवश्यकता होगी वो लगभग हमको 1 से 1.25 करोड़ के बीच में बजट की आवश्यकता होगी। पावर इसमें लगभग 35 HP के आसपास रहेगी, 35 से 40 HP के बीच में रहेगी। तीसरा मॉडल देखें दोस्तों तो वो हो गया हमारा 5 ton नॉन टॉरिफाइड इनपुट से 2 ton और 2.5 ton नॉन टॉरिफाइड आउटपुट, यानी कि 5 ton से 2.5 ton का अगर हमको आउटपुट चाहिए तो इसके अंदर हमें जो जगह की आवश्यकता होगी वो लगभग 60 फीट जगह की आवश्यकता है। जगह जो चौड़ाई जो चाहिए होगी इसमें 60 फीट की जगह चौड़ाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें हमारे कूलिंग चैम्बर भी आएगा, और उसके बाद इसमें पावर की आवश्यकता होगी वो हमारी लगभग 48 से 50 HP की पावर की आवश्यकता होगी, और बजट इसके अंदर लगभग 1.5 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ 80 लाख तक होगा। यानी दोस्तों ये 3 तरह के मॉडल हमारे पास में है, और इन सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ही चीज़ के अंदर जो चैम्बर आएंगे, बाहर का चैम्बर आउटसाइड चैम्बर हमारा एलॉय स्टील का होगा, और इनसाइड चैम्बर हमारा जो रहेगा स्टील का रहेगा। इसके साथ साथ जब हम लोग यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर जो भी गैसेस निकलेंगी इन गैसेस को हम लोग साइक्लोन से कलेक्ट करेंगे, और ये जो गैसेस हैं वो बेसिकली कलेक्ट होने के बाद में स्क्रबर में जाएंगी, स्क्रबर से प्योरीफाई होने के बाद में गैसेस दोबारा से हमारे यहाँ बर्नर में काम आ सकती हैं। यानी कि हमें पहले इनिशियली तो गैस से गर्म करना है या डीजल से गर्म करना है हमारी भट्टी को, उसके बाद एक बार गैसेस फॉर्म हो गई तो उनको हम प्योरीफाई करके उनको ही भट्टी में यूज करेंगे, और इन्हीं गैसेस से हम लोग आपके प्लांट के अंदर मौजूद रोटी डायर या फ्लैश डायर को भी हीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से जो टार निकलेगा या वुड विनेगर निकलेगा इसको हम अच्छी रेट पे बेच सकते हैं, यानी कि वो भी सेलेबल है। इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो अगर हम नॉन टॉरिफाइड पैलेट से हम पैलेट बनाते हैं या टॉरिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर कई सारे हमको ऐसे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि इसी प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, जैसे गैसेस, वुड विनेगर, और साथ साथ इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेंट कम कर रहे हैं, कार्बन कंटेंट तो बढ़ा ही रहे हैं, इससे इसकी जीसी भी बढ़ा रहे हैं। मसलन के अगर आप इसके अंदर वुड से बना हुआ पैलेट डालते हैं और उसकी जीसी 4000 है तो आपको आउटसाइड में जीसी 5700 से 6000 GCV तक मिलेगी, इतनी जीसी का आपको एनहांसमेंट मिलेगा, यानी जीसी बढ़ रही है, प्रोडक्ट हमारा मॉइस्चर फ्री हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा ऐश फ्री हो रहा है। और इस तरह से जो अभी तक हमारी स्टील इंडस्ट्री के पास बड़ा चैलेंजेस था, स्टील इंडस्ट्री को ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड थी जिसके अंदर जीसी भी अच्छी मिल जाए, जिससे हमको 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर मिल पाए, तो ऐसा कुछ संभव है तो टॉरिफिकेशन के बाद ही संभव है। दोस्तों ये साइंस अभी भी ऐसी साइंस है जिसको एक वीडियो के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता। मुझे आशा है कि आपके मन के अंदर इसके लिए बहुत क्यूरियोसिटी होगी, इनकी प्राइसिंग के लिए क्यूरियोसिटी होगी, तो आप अगर इससे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी ऐसी फैक्ट्रीज पर आकर के आप हमको विजिट कर सकते हैं और हमसे रूबरू हो सकते हैं टॉरिफाइड पैलेट के बारे में, नॉन टॉरिफाइड पैलेट के बारे में आप 1-to-1 हमसे बात कर सकते हैं।
आपको अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हमसे जानिए। नॉन टॉरीफाइड पैलेट के बारे में हमने कई सारे वीडियो आपको निकाले हुए हैं, टॉरीफाइड के लिए हमारे लिमिटेड वीडियोस हैं और टॉरीफिकेशन के ऊपर हमने आज जो वीडियो दिया है, इससे आप अगर इंस्पायर्ड हैं तो अपने दोस्तों तक इसको भेजिए और हमारी फैक्ट्री को विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्ट विद पीयूजी, स्टे कनेक्टेड।